आप हम लाइन लगा के दे रहे हैं उसका बोला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं। अभी कुछ मिनट पहले मैं सो करके उठा, ब्रश करके यहाँ बैठा हुआ हूँ। एंड मेरी मामी यहाँ पे मेरे को अभी पोहा और चाय का नाश्ता दी है, तो यहाँ पे बैठ करके मैं नाश्ता कर रहा हूँ। और घर में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आभा भी अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है और ऋतिक भी उधर बाहर में खेल रहा है। तो मैं भी नाश्ता करता हूँ, उसके बाद आभा को दिखाता हूँ कि आभा कहाँ पे और कैसे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है। तो नाश्ता करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी मैं आपको आभा से मिलवाता हूँ, आभा कहाँ पर बैठ करके ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है। तो चलते हैं आभा के पास, शांत रहेगी वहाँ पर जाके, बस देख देख के अपन को आना है। वहाँ पर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है तो बोल तो सकते नहीं अपना, क्योंकि माइक ऑन करा के रखती है मैम। तो चलते हैं फिर रूम में, इधर आइए, देखते हैं आभा कहाँ पर है अभी। तो गाइस अभी पढ़ने में इतनी बिजी है कि मैं उसके रूम में गया, उसका वीडियो भी शूट कर लिया, उसको पता भी नहीं चला कि मैं उसका वीडियो बना लिया हूँ। तो आभा भी आ गई है अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड करके। आभा मैं आया था तेरे रूम में तो पता चला तेरे को? थोड़ा सा पता चला था पर क्या बताऊँ मैं। फेस टू फेस दिखना चाहिए। ऋतिक को देखिए। हाँ क्या कर रहा है ऋतिक? पोहा खा रही है। दीदी चाचा दीदी से पोहा खा ले और मम्मी मदर पीछे बैठ करके। क्या हो गया? हाँ क्या, इसको रहने दे, बोरी को इधर रहने दे, चलो खिला दे आभा उसको, खिला दे खाने के लिए। ए ऋतिक सुनो ना, सुनो ना, नानी के घर जाएगा, मैं जा रहा हूँ तेरे नानी के घर। जाएगा नानी के घर? मामा मामा के घर जाना है। आ? मामा के घर, चलो ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने मामी के मम्मी के घर, मतलब ऋतिक के नानी के घर। और मेरी मामी वहाँ पे ऋतिक का थोड़ा चोट लग गया है तो वहाँ पे दवाई लगा रही हैं। तो मैं अभी चलता हूँ मेरी मामी के माई के, वहाँ जाने के बाद आपसे मिलता हूँ। कुछ काम है तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा क्या काम है। चलते हैं फिर मामी के घर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ ऋतिक के नानी के घर और ऋतिक की नानी मेरे लिए बहुत सारा आलू भर रही है वहाँ पे। एंड नानी देखिए यहाँ पे, एक तो धर एक बोरा भरो हम तो ना। ऋतिक की नानी बहुत सारा आलू दे रही। अभी मैं आया हूँ डुमरिया ग्राउंड में घूमने के लिए, साथ में तुलेश्वर भाई भी है इधर। तुलेश्वर भाई इधर देखिए। हाँ भाई हेलो, हाय। इधर हम लोग घूम रहे हैं, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा खुल गया, इधर धूप का मौसम है, थोड़ा धूप का आनंद ले रहे हैं। और बहुत दिन से तुलेश्वर भाई और मैं इस ग्राउंड में आए नहीं थे, ये डुमरिया का ग्राउंड है, तो सोचे तुलेश्वर भाई और मैं थोड़ा सा टहल लेते हैं। क्यों तुलेश्वर भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ा सा टहलते हैं तो अच्छा भी लगता है, फ्रेश फ्रेश पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं, पूरा खाली एकदम खाली है। तो एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, हम लोग पहले भी आते थे और आज भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग टहलते हैं। तो गाइस यहाँ ग्राउंड में घूमते घूमते हो गया शाम और इधर देख सकते हैं आप सनसेट भी हो चुका है और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। तो आज हम लोग चल रहे हैं यहाँ से घर और यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा गाइस अपन को एकदम। अभी भी ना एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और ठंड भी बढ़ गया है। तुलेश्वर भाई से भी पूछता हूँ, तुलेश्वर भाई ठंडा कितना लग रहा है यार? तो स्वेटर भी नहीं पहना है भाई। ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, है ना ठंडा एकदम, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा भी लग रहा है। और अंधेरा तो इतना ज़्यादा हो गया कि दिख भी नहीं रहेगा इस थोड़ा सा। तो अब हवा भी चल रहा है तो थोड़ा और ठंडा बढ़ते जा रहा है, इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ से, नहीं तो कुल्फी जम जाएंगे। क्यों तुलेश्वर भाई? हाँ भाई बिल्कुल, चला जाए ना, चला जाए। तो ठीक है गाइस, आपको घर जाने के बाद मिलता हूँ मैं। गाइस अभी हो रहे हैं रात के 8 और हम लोग सब यहाँ पे आग के पास बैठे हुए हैं। लगता है कोई आ रही थी, तेरा पापा आ गया, जा खोल दो, नहीं पहुँचेगा, जा नहीं सकिए। तो इधर मम्मी बैठी है, अभी मेरी मामी जा रही है मामा को खोलने के लिए। और आभा क्या कर रही है यहाँ पे? मूंगफली खा रही, मूंगफली भुनी हुई है। और पापा भी वहाँ बैठे हैं सामने, दिखाते हैं मूंगफली आभा कैसे भुनी है, पूरा काला कर दिया भून के। आभा
ये ऐसी ऐसी भूनते हैं मूंगफली, पूरा काला हो गया है। और वो देख रहे चलनी, चलनी में मतलब भूने हैं। रितिक अपने पापा को खिला रहा है रोटी। और रितिक क्या खा रहा है दिखाओ, मेरे को नहीं खिलाएगा, कौन दिया? अच्छा वैसे ही खिला मैं नहीं खाऊंगा। हो गया खा लिया मैं खा लिया, मैं खा लिया। आभा को खिला दे, आभा दीदी नहीं, को नहीं, नहीं। दीदी को खिला दो, दीदी को। हाँ दीदी दीदी को चाहिए, दीदी को खिला दो। खा लेना, खा ले, प्यार से दे रहा है आभा। आभा मलाई लगा के दे रहा है, उसका मलाई। बटर खवाते क्रीम बटर। ओ रितिक ओके, मामू नहीं करेगा, किसी और के लिए नहीं खा रहा। हाँ आभा, आभा खा ले, आभा बड़ा प्यार से खिला रहा है, खा ले भैया, खा ले भैया, भैया मम्मा, नहीं मम्मी, मम्मी नहीं, दीदी दीदी दीदी, पापा पापा को दे दे, पापा 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 को दे दे, ठीक है ओके। आप चल मम्मी के गोदी में आ जा, चल वापस मम्मी के गोदी में आ, तो वहीं पे आभा का जरा जरा हुआ फल्ली खा रहे हैं, पूरा काला हो गया, जल गया है पूरा, जला हुआ फल्ली खाएंगे हम लोग, क्यों खाते हैं गाइस? यहाँ जला हुआ फल्ली देख रहे हैं, पूरा सब जला दिया है आभा, पूरा जल गया है। आभा तेरे को नहीं आता है मूंगफली भूनने? बोला मैं, बोला ना पापा से सीख ले, मम्मी ता नहीं खास फल्ली, ले जरा फल्ली खाते गाइस। अभी रितिक ना सबके लिए खाना लेने के लिए जा रहा है ना, देखिए अभी खाना पकड़ के लेके आएगा, ये देखिए मेरे लिए लेके आ रहा है। रितिक की मम्मी डांट रही है अभी, उसको गिरा देगा तो। हाँ हाँ लाओ लाओ इधर लाओ, पापा पकड़ नहीं तो गिरा दे, देख 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 देख, आजा, बहुत बदमाश यार, थैंक यू थैंक यू। गाइस हम लोग यहाँ सब बैठ करके खाना खा रहे हैं अभी। आभा बहुत बदमाश है आभा, खाने में आज क्या है, गोभी और चावल, तू खा लिया? अच्छा इसको मैं खाऊंगा, अच्छा मम्मी से खाना ला, खावे तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पे तू? देख रहे हैं इसका डांस, देखिए आप लोग डांस, डांस कर, कौन सा स्टेप है भाई? ओके मामू, ओके मामू, ओके मामू, टाटा चल खाना खाने जा, जा मम्मी बुलाते हैं, जा कूद, मम्मी बुलाते हैं रितिक, जाओ देख तेरा खाना वहाँ पे रखा हुआ है, देख जल्दी जा। खा लो, तू दवाई पिया है ना, तू आज दवाई पिया है, तेरा कपड़ा मुहावरा है दवाई दवाई। क्या चल रहा है भाई, ये क्या है, कैसे चल रहा है तू, किसका एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करके दिखा तो, बुढ़िया कैसे रेंग थे दादू, बुढ़िया कैसे रेंग थे, बैगन सब्जी भी है साथ में। तो गाइस खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा लग रहा था नींद, और उसके बाद मैं आ गया बिस्तर में, और ठंडा ही बहुत ज्यादा लग रहा था खाना खाने के बाद, पता नहीं क्यों। एंड रितिक भी आ गया है मेरे साथ, देखिए सो रहा है रितिक, शांत क्यों है रितिक? रितिक से पूछ रहे थे, रितिक कुछ बोलेगा क्या, कुछ बोलेगा, हेलो कर दो, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट गाइस, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पे लिख करके जरूर जा करके देखिएगा, और बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।